वहीं यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में केस दर्ज किया है। ईडी को एल्विस के पास कई लग्जरी कारों का काफिला होने की जानकारी मिली है। सांप के जहर से जुड़े मामलों में भी बड़ी रकम के लेनदेन का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन तथ्यों और नोएडा में दर्ज FIR को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया गया है। ईडी एल्विस को समन भेजकर इस मामले में जल्द उनसे पूछताछ कर सकती है। बिग बॉस OTT2 विनर एल्विस को सांप के जहर से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने इसी साल 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। 5 दिन जेल में रहने के बाद अभी वो जमानत पर बाहर है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में ईडी मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय ने केस दर्ज करके जांच शुरू की है।